फोन आया था कि विकास आना दीपार तुमसे काम है। फोन आया कि मतलब उसकी हत्या कर दी गई है। वो फोन मेरे छोटी वाली बहन है हॉस्पिटल। क्या बोल के कौन घर से है? हम तो नरोनी हो बाबू। तुरा टोली का लड़का जेपी चौक के पास मेला देखने गया होता तभी बेरहमी से कोई बताया जा रहा कि नदी है उसी के पास ले जाकर उसका बेरहमी से चाकू कूद कर हत्या कर दिया। कुछ सूचना मिला कैसे, क्या जानकारी हुई कि इसकी हत्या हो गई? हम लोग का इतना सूचना मिला कि किसी ने चाकू मार दिया है। चाकू मार बस यही मिला। कहां पे मतलब शहर में ही? नदी के पास मेले में आखड़ा निकला हुआ था, उसी आखड़ा में एक युवक का जान चला गया। पूरी घटना सिवान शहर में घटी हुई, जहां जेपी चौक के पास पहले झगड़ा हुआ, उसके बाद से युवक को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया गया है। हम प्रीत परिवार के साथ मौजूद है, देख सकते हैं परिजन जो है रोक ले रही है, उनकी जो बहन है काफी रोक ले रही है, उनकी मम्मी जो है बेहोश पड़ी हुई है और घर दिखाने का प्रयास कर रही है। सामने घर दिख रहा है, यही घर है। अंतिम संस्कार को लेकर बॉडी यहाँ पे लेकर चला दिया गया, जो वहाँ पे अंतिम संस्कार होते हैं वहाँ पे लेके जाया गया है। क्या हुआ कल, क्या इसे क्या भय हुआ है? कौन आया था? नदी पर आ रहा था मेरे भाई को, मेरे भाई को आ रहा था घंटे में, उसे तो नहीं आया मेला में, तो नहीं आया वापस, वापस नहीं आया मेरे भाई। अच्छा, कौन बुला के ले गया था? फोन आया था, किसका फोन आया था? अच्छा, मेला में ऐसे गया था, उसको उसको मार दिया गया। फोन आया था कि विकास आओ नदी पर तुमसे काम है, उसे तो नहीं आया, वापस नहीं आया अंकल, वापस नहीं आया। इतना ही पहले से किसी उसको विवाद वगैरह था क्या? किस से नहीं था, कोई विवाद वगैरह नहीं था? नहीं था, किसी से बात नहीं था। अच्छा, आप लोगों को फोन आया कि मतलब उसकी हत्या कर दी गई है? वो फोन मेरे छोटी वाली बहन है हॉस्पिटल ले गए, मेरे चाचा जी हैं, मेरे भाई था जी, उसको ले गए हॉस्पिटल। अच्छा, अस्पताल ले जाने क्रम में मौत हुआ है? हाँ, मौत हुआ है। अच्छा, क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से? हम मांग करेंगे कि मेरे भाई के इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस। उनकी बहन है आप? हाँ, उनकी बहन है। उनकी बहन है, पूरी घटनाक्रम बताने का प्रयास की है कि हाँ उनको भाई को मेला के लिए बुलाया गया और मेला में हत्या किया गया, किस वजह से हत्या की इसको खुलासा नहीं हो पाई है। लेकिन सवाल बड़ा यह खड़ा होता है, कल सिवान में महावीरी मेला था और दर्जनों पुलिस मौजूद थे, उसके बावजूद भी युवक को बेरहमी से हत्या कर दिया गया और पुलिस को भनक तकने लगी है। हालांकि उसकी मम्मी भी है यहीं पे है, मम्मी ये है, मम्मी है, मम्मी से क्या करेंगे, क्या बोल के कौन घर से है? हम तो नरोनी हो बाबू। काम करने के लिए? हाँ, रसोईया बनावे ली खाना। अच्छा, खाना। हाँ तो चल बोलो, ओ राती खान ढूंढ के तब तो बोला कहीं करके ली हम इसे, तो पता चल गया, तो पता चल गया। देखिए जो फैमिली है काफी गरीब है, यानी विकास जिसका हत्या हुआ तुरहा टोली का रहने वाला है, तो विकास कैसा लड़का था? कैसा लड़का था विकास? रिश्तेदारी में आया। मैंने कैसा लड़का था विकास, बातचीत में कैसा? अच्छा लड़का, अच्छा कैसा लड़का? बहुत सुंदर रहा, उनके उसे ना झगड़ा लग रहा, कुछ ना करते लोग अपन बना तो बाहर रह जी। हाँ, बहुत अच्छा, मेला देख के वो एकदम सीधा साधा लड़का है, कोई झगड़ा उठा लड़का है, क्या उससे बातें बेचारा ना ना कर। दोनों भाई हां बेच ले बा, अब बेच उच के सांझी के गोइल में मेला में लई। अच्छा, होटल चलाओ तो महंगा? हां, होटल पूरी सब्जी बेचे, पूरी सब्जी बेचे लगे, वही सब पेट जाओत लग, गरीब बनस एकदम गरीब कौन लग बनस। काम मांग कर प्रशासन से, जिन हत्या कर मेला के दिन दहाड़े हत्या कर दिया, प्रशासन से काम मांग करते हैं लोग। देखिए जो आस पास के लोग है वो भी है, साफ तौर पर इनकी कहना है कि गरीब परिवार है, बेरहमी से काफी हत्या किया गया और सवाल सिवान के प्रशासन पर ये खड़ा होता है, कल मेला था और मेला में जिस तरह बेरहमी से हत्या कर दी गई है, परिवार वालों बताया जा रहा है किसी प्रकार किसी विवाद नहीं था, आखिर किस वजह से हत्या की गई है इसका खुलासा जो है सिवान पुलिस कब तक कर रही है। और मेरे साथ एक शख्स महिला जो है मौजूद है, विकास कैसा लड़का था? बहुत अच्छा था जी, किसी से बात भी करता था अच्छा सा, किसी झगड़ा भी कुछ भी नहीं करता था, बहुत अच्छा, किसी से नहीं बात, हम लोग से बात भी करेगा तो चाची बोलेगा, हंस कर बात करता था, किसी से झगड़ा नहीं था उसका। अच्छा, बगल की हैं? हाँ, हम लोग का यहीं पर घर। अच्छा, क्या आपको सूचना मिला कैसे, क्या जानकारी हुई कि इसकी हत्या हो गई? हम लोग का इतना सूचना मिला कि किसी ने चाकू मार दिया है, चाकू मार, बस यही। कहाँ पे मतलब शहर में ही? जेपी जेपी नदी के पास हुआ था, नदी के पास। तुरंत ले बात, अरे वो हला हुआ है ना, हला हुआ है तो हम लोग मेला देखने गए थे, मेला देखने को दो लड़का लोग उसको लेकर जा रहा था, उसका छोटी बहन थी, तो हम लोग उसके पास धर कर गए थे, तो उसको पता है तो हॉस्पिटल में जाते थे, हॉस्पिटल में बांध कर लेकर गए लड़की। बाबू कैसे, क्या हुआ था बाबू? अरे मेला देख रहे थे लोग उधर से, फिर रोड क्रॉस कर रहे थे लोग, मतलब देखे लोग दो तीन आदमी टांग कर लेके जा रहे थे, फिर हम गए वहाँ पर देखे कि लेके जा रहा था, फिर देखे मेरे भाई है तो उनके पीछे पीछे गए थे, फिर हल्ला किए तो मेरे मोहल्ले का कुछ लड़का आया सब, तो टांग सरकारी सदर अस्पताल ले गया सब, वहाँ पर से सिटी हॉस्पिटल लेके जाते जाते उनका मौत हो गया, अस्पताल ले जाने क्रम में मौत हो गया, चाकू लगा था। हाँ, पूरा लाट बाहर आ गया था। और पुलिस वगैरह अभी कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुआ है कि नहीं इस मामले में? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या मांग कीजिएगा, उसको न्याय मिले।
देखिए जो पीड़ित परिवार है, आसपास के लोग हैं, सभी लोग का एक ही कहना है कि न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो घटना है काफी दर्दनाक घटी हुई। युवक मेला देखने जाता है, अपना गरीबी दूर करने के लिए होटल चलाता था, उसकी मम्मी जो है रसोई का काम करती थी, काफी गरीब परिवार है, और जिस तरह हत्या कर दी गई है सिवान प्रशासन में, इसलिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कल महावीरी मेला था, महावीरी मेले में बाहर से भी फोर्स बुलाया गया था, और बाहर से फोर्स बुलाने के बावजूद भी जो चेपी चौक है, काफी चर्चित चौक है, वहां पर बेरहमी से हत्या कर दिया गया है।